नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिसिन जानकारी में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मॉक्सिलिन सीवी 375 टेबलेट का रिव्यू करेंगे। तो आप किन किन बीमारी में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये 6 टेबलेट की स्ट्रिप है। MRP की बात करें तो 82.75 रुपये इस टेबलेट की MRP है। और इस टेबलेट को मार्केट करती है ओरियन लाइफ साइंस द्वारा। इस टेबलेट को मार्केट किया जाता है और इसमें सॉल्ट मिलाया गया है एमोक्सिसिलिन 250 mg एंड क्लावुलानिक एसिड 125 mg, इसमें सॉल्ट मिलाया गया है। तो दोस्तों, जान लेते हैं किन किन बीमार में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। इस दवा का मुख्य रूप से उपयोग अगर आपको कान में संक्रमण है, निमोनिया हो गया है, टॉन्सिल की समस्या है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, इम्पेटिगो जोड़ में इन्फेक्शन है, गल में इन्फेक्शन हो गया है, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, फोड़े पोंछे हो गए, नाक में इन्फेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो एडल्ट व्यक्ति को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है, या फिर आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद इस टेबलेट का उपयोग करें। दोस्तों, इस टेबलेट को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि मतली उल्टी होना, लाल चकत्ते, मुंह में छाले पड़ना, दस्त लगना, सिर दर्द, पेट में ऐठन पड़ना। इस टेबलेट को लेने के बाद ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नज़र आए तो एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको पेनिसिलिन ड्रग से एलर्जी है तो आप इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आप पहले से किसी भी प्रकार की मेडिसिन या एंटीबायोटिक दवाई खा रहे हैं तो इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो जान लेते हैं किन किन लोगों को इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। तो अगर आपको दस्त की समस्या है, गुर्दे की बीमारी है, लीवर का रोग है, पीलिया है, हृदय रोग है, शुगर की बीमारी है, या फिर हेपेटाइटिस की बीमारी है, तो आप इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी महिलाएँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएँ, इस टेबलेट का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अल्कोहल के साथ इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, छोटी जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।